हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आज आपको लेके जा रहा हूँ माता वैष्णो देवी के भवन। मैं आपके लिए लाया हूँ माता वैष्णो देवी का सुंदर सुंदर सा व्यू। आप वीडियो को पूरा देखिए। जय माता दी। स्टेशन के बाहर हम खड़े हैं। ये स्टेशन के बाहर का नज़ारा है गाइस। हम प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं और हमारी ट्रेन श्री शक्ति एक्सप्रेस है जो अभी तक आई नहीं है। हमने सोचा था कि हमारी ट्रेन 5:30 बजे की है, लेकिन ऑनलाइन भी हमने चेक किया था, उसमें दिखा रहा था कि 7:05 की ट्रेन है। लेकिन हम पहले जब गए थे तो तब ट्रेन 5:30 बजे की थी, लेकिन हम 5:30 के अकॉर्डिंग जल्दी ही स्टेशन पर आ गए। और जब पता चला कि कोरोना टाइम के बाद से तो ट्रेन चेंज ही हो गई है, मतलब टाइमिंग चेंज हो गया उसका, और अब टाइमिंग उसका 7:05 पर है। सो इतने मैंने सोचा कि आपको स्टेशन के बारे में बता दूँ। स्टेशन पे जैसे पहले काफ़ी गंदगी देखने को मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्टेशन की जो पटरियां हैं, ट्रैक है, वो बिल्कुल साफ़ है, क्लीन है। और इसमें आपको यहाँ देख सकते हैं, कुछ भी ऐसा गंदगी का मुझे दिखा नहीं है। सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। हमारे साथ बच्चे जा रहे हैं जो काफ़ी फन कर रहे हैं, इधर बैठ के ट्रेन का वेट कर रहे हैं, और हम भी इनके साथ बैठ के फ़न कर रहे हैं, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ट्रेन आ ही नहीं रही है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। अब 7:00 के आसपास वाले हैं और अभी तक ट्रेन आई। ये धीरे देखने में आ रहा है कि यहाँ पे लोगों की भीड़ काफ़ी हो गई है। मंस 15 मिनट पहले तक ट्रेन नहीं आई है। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन आ गई है। मीन्स 15 से 14 मिनट का ही गैप मिला है ट्रेन के डिपार्चर होने से। तो हमारी ट्रेन आ गई है, हम अपनी कोच की तरफ जा रहे हैं, उसमें एंट्री करेंगे। सो गाइस, हम ट्रेन के अंदर बैठ गए हैं। ट्रेन आप देख सकते हैं अंदर से काफ़ी अच्छी है, साफ़ है, सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है और काफ़ी क्लीननेस है। सब लोग आ गए हैं, ट्रेन बस सब यहाँ से चलने वाली है। सो गाइस, हमारी ट्रेन अब चल रही है, सब लोग बैठ गए हैं, अब हम हो चुके हैं जम्मू की तरफ रवाना। गाइस, ट्रेन चलने के बाद आपको पूरी फैसिलिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। चाय, कॉफ़ी और तरह तरह के सामान बेचने वाले यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग ट्रेवल कर रहे थे तो हमने उनसे भी पूछा ट्रेन के बारे में, उनसे जाना ट्रेन के बारे में। वो आप देख सुनिए। आप पहली बार जा रहे हो भाई? तीसरी तो इसी ट्रेन से जाते हैं, दूसरी ट्रेन से? दो बार तो इस ट्रेन में आपको कैसा लगता है, कैसी फैसिलिटी के हिसाब से कैसा लग रहा है? भाई, फैसिलिटी तो भी है, ऐसी बात है कि फर्स्ट टाइम जब हम ट्रेन में आए थे तो जिस दिन ये पहली बार इसका इनॉग्रेशन हुआ था, फर्स्ट टाइम इसमें गए थे। फर्स्ट टाइम में? अच्छा, जो पहली बार सबसे पहले चली थी ट्रेन, 2016 या 2015 में आई थी। तो एक तरीके से सब कुछ लगा के इसमें बेटर, अच्छा है, किराए के साथ फेयर वेयर सारा लगा हुआ। ओ भाई, आप पहली बार? कुछ लोग कहना था हम पहली बार जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे मैं काफ़ी टाइम जा चुका हूं, और कुछ लोग कह रहे थे कि मैं हर महीने जाता हूं। हम लोग पहुंच गए अम्बाला शहर। अम्बाला स्टेशन है ये अम्बाला कैंट है। अम्बाला कैंट अभी टाइम हुआ है 9:40 का टाइम है। ये दिल्ली से 7:05 टाइम है। अभी डिनर अभी हमने फिनिश किया है, अब हम आगे की जर्नी कंप्लीट करेंगे। 7:05 पे ये दिल्ली से चली थी और 9:40 पे अम्बाला खड़ी है। मतलब यहाँ अभी इसको खड़े हुए 15 मिनट तो हो गए हैं, 15 मिनट से 20 मिनट का स्टॉपेज है इसका। गाइस, अगर आपकी सीट ऊपर वाली है तो कंबल जरूर लेके जाए, क्योंकि ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये ऊपर वाली सीट पर जब आप लेटते हैं तो यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती रहती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऊपर की सीट है तो आपको कंबल लेकर ही जाना पड़ेगा, वरना आपको सर्दी पक्का लगने वाली है, क्योंकि ऊपर की सीट पर सीधी हवा आपके चेहरे तक आती है। और अभी सोने का टाइम है तो अभी हम राजपुरा पहुँचे हैं,
तो राजपुरा के आसपास है। 10 AM हो रहा है, 10:10 हो रहा है, तो अभी हम सोएंगे। गाइस टाइम हो रहा है 11:16 और हम अभी लुधियाना जंक्शन ट्रेन पहुंची है 11:10 पे लुधियाना जंक्शन पे, और अभी खड़ी है 6 मिनट तो हो गए हैं, शायद 15 मिनट के आसपास का है, 20 मिनट के आसपास का स्टॉपेज है। बात ये है लुधियाने की, लुधियाने की हौजरी बहुत मशहूर है, यहाँ पे जो आपके कंबल है या फिर जो स्वेटर्स वगैरह है वो बहुत यहाँ का अच्छा बताते हैं, पॉपुलर है और बहुत अच्छी हौजरी है यहाँ की। कभी भी आप आओ तो लुधियाना जरूर विजिट कीजिए। तो लुधियाना में आपको कंबल उम्बल से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगा। और मैं आपको ये लुधियाना स्टेशन दिखा देता हूँ कैसा है। ट्रेन में मैंने काफ़ी सोने की कोशिश की तो ट्रेन मुझे नींद तो आई नहीं, सोचा फिर नीचे आके पता चला कि लुधियाना स्टेशन पर हमारी ट्रेन आ गई है, तो मैंने सोचा ट्रेन नीचे आके देखता हूँ स्टेशन कैसा है। स्टेशन देखने पर पता चलता कि यहाँ पे क्लीननेस है, सफाई की हुई है और काफ़ी अच्छा है। जब आप ट्रेन से बाहर आते हैं तो आपको RPF वाले मना करते हैं ट्रेन से बाहर आने के लिए, क्योंकि कुछ लोग ना बाहर छूट जाते हैं, ट्रेन चलने लगती है उनको पता नहीं होता है कि ट्रेन चल चुकी है और ट्रेन वो मिस कर देते हैं, इससे उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कभी भी आप लोग बाहर नहीं आए, ट्रेन रुके तो आप अंदर ही रहें। सो गाइस हम आ गए हैं उधमपुर, ये उधमपुर का स्टेशन, टाइम हुआ है 4:50 पर यहाँ पर ट्रेन ने उधमपुर पहुँचाया है, लेकिन यहाँ पे अभी देखा जाए तो यहाँ पे बारिश हो रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी पीछे, अपने मेरे पीछे बारिश हो रही है, मौसम ख़राब है, मतलब वैष्णो देवी में भी शायद बारिश का ही मौसम मिले, देखते हैं। अभी मौसम ठंडा है, अभी तो काफ़ी अच्छा वेदर है, हल्की हल्की बारिश है। उधमपुर 5:00 का टाइम इसका उधमपुर आने का है, उससे पहले ही है मतलब 10 मिनट पहले पहुंच चुके हैं उधमपुर। उधमपुर स्टेशन भी और स्टेशन की तरह काफ़ी अच्छा लग रहा था, हमारी ट्रेन रुकी हुई थी, चलने वाली थी और हम ट्रेन के चलने का इंतज़ार कर रहे थे। गाइस ये देखिए, ये है श्री वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन, जो पूरी तरह मार्बल से बना हुआ है, चारों तरफ मार्बल लगा हुआ, बहुत ही ज़्यादा क्लीननेस से सफाई है। मैं देख के खुद इंप्रेसिव हूँ, काफ़ी सफाई है, कुछ भी गंदगी नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम जो भी लोग दिल्ली से आए हैं या दूसरे स्टेट से आए हैं, उनको यहाँ पर अपना कोरोना टेस्ट कराना ज़रूरी है, उसकी ही लाइन लगी हुई है, हमको भी लाइन में लगना पड़ा, काफ़ी लंबी लाइन थी क्योंकि कोरोना का टाइम चला हुआ है और इसलिए ही वहाँ पर जाँच हो रही थी। लेकिन पता लगा कि जो लोग अपने स्टेट से 72 घंटे पहले टेस्ट करा कर लाए हैं तो अपनी टेस्ट रिपोर्ट दिखाकर वो जा सकते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, लोगों को पहले इकट्ठा किया फिर, लेकिन बाद में सबको ईजिली जाने दिया। गाइस ये वो नज़ारा है जिसके लिए मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, आप देख सकते हैं सुबह सुबह 6 बजे का नज़ारा है, आप इसको देखोगे तो आपका मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का। आप देख सकते हैं बादल चारों तरफ पहाड़ों पे घूम रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, और इससे अच्छा व्यू कहीं नहीं है सच में। ये सामने माता वैष्णो देवी का पहाड़ है जिसे त्रिकुटा पर्वत बोलते हैं, और यहीं पे माता का भवन है। awesome. जब भी आप लोग यहाँ पे आओगे तो आपको ये हमेशा ही से ऐसा ही दिखेगा नज़ारा, सुबह सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग होता है देखने का, क्योंकि सुबह सुबह सनराइज़ होता रहता है तो उसकी थोड़ी थोड़ी किरणें और बादलों पे पड़ती है तो देखने का नज़ारा ही अलग हो जाता है। गाइस मेरा सजेशन तो यही है कि आप लोग जब आओ तो अभी सितंबर दिसंबर कोरोना टाइम पर अगर आप विजिट कर रहे हो तो आप घर से ही अपने उधर से ही कोरोना की जांच करा के आए, इससे होता है कि आपको यहाँ पे कराना नहीं पड़ेगा, वेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, आप कोरोना की जांच कराएं, वहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएँ 72 घंटे पहले की, और आप डायरेक्ट यहाँ पे दिखा के सीधा निकल सकते हैं। वरना जो लोग रिपोर्ट नहीं लेकर आए हैं उनको यहाँ पे कोरोना का टेस्ट कराना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ा वेट टाइम लगेगा, वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा इतना वो नहीं था कि
बहुत सीरियस लिया हुआ है इसको, ऐसा कुछ नहीं है। ईजिली आप यहाँ पे करा के नेगेटिव रिपोर्ट लेके दर्शन करने जा सकते हैं। स्टेशन पे सुबह सुबह का माहौल बहुत अच्छा था, ठंडी हवा चल रही थी, बच्चों ने जैकेट पहनी हुई थी क्योंकि बच्चों को ठंड का खतरा रहता है, और हम लोग इंजॉय कर रहे थे पर्वतों को। इन पर्वतों को देख के मन कभी नहीं भरता, जी करता रहता है बस देखे जाओ। स्टेशन पे इतना अच्छा नज़ारा, जब हम पास जाएंगे तो और ज़्यादा औसम नज़ारा हो जाएगा। जब आप बाहर निकलोगे तो आपको बाहर से ही नज़ारा देखने को मिलेगा। ये रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है, जहाँ पर आप पूरा क्लियरली देख सकते हैं। काफ़ी स्पेस दिया हुआ है, काफ़ी लोगों के लिए स्पेस दिया हुआ है बाहर स्टेशन पर, और ये पूरा है। ये सामने का शाइन बोर्ड है श्री माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी सुंदर दिखता है। अगले एपिसोड में हम आपको माता वैष्णो देवी की जर्नी के बारे में दिखाएंगे और आपको माता के भवन लेकर जाएंगे। जय माता दी।